हेलो दोस्तों, मैं आज आपके लिए लाया हूँ इस वीडियो में एरिया निकालना। आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा कि आप एरिया कैसे निकालेंगे और कैसे कमांड का यूज करोगे एरिया कमांड का। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि आपको इस तरीके से जो स्टार दिख रहा है, आप इसका एरिया बताऊंगा मैं, तो वन बाई वन आप कैसे निकाल सकते हो इसमें। तो पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें कि आपको डबल ए एंटर करना है, फर्स्ट पॉइंट क्लिक करना है, एंड सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कंटिन्यू ऐसे चलते रहेंगे हम। मैंने सबसे पहले डबल एंटर किया, उसके बाद फर्स्ट पॉइंट दिया। इस तरीके से हम ये और लास्ट पॉइंट, तो एंटर कर देंगे। ध्यान रखो, एंटर करेंगे अब यहाँ पर। एंटर करने के बाद जो हमारा एरिया आया 4938.750 स्क्वायर फीट, और जो पेरीमीटर जो आया हमारा 320। पैरामीटर होता है इस सारी डायमेंशन कैलकुलेट करके। जैसे इस तरीके से आप देख सकते हो, ये डायमेंशन दे रखी है, ये देखिए 20 फुट। हमने सारी जो डायमेंशन लिए सभी 20 फुट में लिए हैं। अच्छा, दूसरा ऑप्शन ये है इसका, पीएल मतलब पॉलीलाइन एंटर करोगे इसमें, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, कंटिन्यू ऐसे चलते रहेंगे। इससे क्या हमारी पॉली लाइन बन जाएगी इसमें। एक ब्लॉक तरीके से बन जाएगा, ब्लॉक जिसे हम बोलते हैं ब्लॉक, ये हमारा टोटली ब्लॉक बन जाएगा। देखो ये हमारा ब्लॉक बन गया, इसे मूव करो यहाँ पे। अब देखो, इससे पहले बता देता हूँ, ये सब टुकड़ों में टूटी हुई है लाइनें। इसी तरीके से ये ब्लॉक हमारा तैयार हो गया। इसको हम एंटर करेंगे, एल आई एंटर, इसका एरिया देख सकते हो आपको, ये रहा इतना एरिया हमने पहले निकाला था, 4938.750 स्क्वायर फीट। ठीक, अब चलो चलते हैं, आप सर्किल का एरिया निकालना। सर्किल पर सिंपली आप क्लिक करना और एल आई एंटर कर लेना, एल आई एंटर। उसके बाद देख सकते हो सर्किल का एरिया 2802 2802.70 स्क्वायर फीट निकला। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल को। ट्रायंगल का हमारा 20 बाई फिट, 20 फिट, 20 फिट, 20 फुट 11 इंच, और 20 फिट, और ये 20 फिट, इसका एरिया निकालना होगा हमें। तो सबसे पहले देखते हैं हम इसे, देखो ये टूटा हुआ है इस तरीके से। तो क्या करेंगे, सबसे पहला हम डबल ए एंटर करेंगे, फर्स्ट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट, क्लिक करेंगे, एंटर करेंगे। आप देख सकते हो 6504। इसी तरीके से हमने ये ब्लॉक बनाया इसका पॉली लाइन से। इस पर क्लिक करोगे आप, एल आई एंटर करोगे, 649। अब चलते हैं हम ड्राइंग, हाँ ट्राइंगल का निकालते हैं पहले। ट्राइंगल का हमारा, इसकी जो लेंथ ली हमने 30 फुट, ये 20 फुट, और ये 36 फुट 1.5 इंच। तो क्या करेंगे, पी एल एंटर, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड एंड लास्ट पॉइंट, एल आई एंटर, 2999.375 स्क्वायर फीट एरिया निकला इसका। अब हम इस ड्राइंग का एरिया निकालना बताएंगे आपको, ड्राइंग का किस तरीके से एरिया निकालते हैं। इसमें क्या कई तरीके के एरिया होते हैं। मान लो आपको ड्राइंग रूम कवर्ड एरिया अलग निकालना होता है, ओपन एरिया निकालना है। तो ओपन एरिया में हमारा ये टोटल एरिया होगा, ये ओपन एरिया होगा, और ये हमारा ये ओपन एरिया होगा। इसको अलग कैलकुलेट कर देते हैं, कवर्ड एरिया ये होगा, और टोटल एरिया इन दोनों एरिया को मिला के टोटल एरिया हो जाता है। वॉल भी ले लेते हैं इसमें हम इंक्लूड। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पी एल एंटर, फर्स्ट
फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट। अब देख सकते हैं इसको हम टोटल एरिया निकाल लें। ये हमारा ब्लॉक बना, देख सकते हैं ब्लॉक बनने के बाद इसी एल आई एंटर करेंगे, इसका एरिया हमारा आ गया 1799, ठीक, 1800 स्क्वायर फीट है टोटल ये, ठीक है। और इसका देखते हैं अब हम ओपन एरिया, यहाँ से आप इसको ओपन एरिया निकाल सकते हैं यहाँ से, और इसी तरीके से आप इसका एरिया निकाल सकते हो, ठीक है, ओपन का, और दोनों को प्लस करके देखना कवर टोटल एरिया, कवर्ड एरिया आएगा। देखो हमारा टोटल एरिया 1800 स्क्वायर फीट दे रखा है इसमें, हमने कहीं पॉइंट पर क्लिक किया था इस वजह से कोई पॉइंट हमने अच्छे से नहीं पकड़ पाया, इस वजह से हमारा एरिया जो है ना कम आया 1800 स्क्वायर फीट से। हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलें, थैंक यू।